मोमिन मलिक का वादा है, मोमिन मलिक बच्चे देगा, मोमिन मलिक बच्चे देगा इस हमदर को। लेकिन गुलाम हैदर को भी मेरी मेरी इंस्ट्रक्शन को उसकी एक शर्त है, बिल्कुल, गुलाम हैदर के बच्चों को दिलवाना मोमिन मलिक का वादा है पूरी दुनिया से, वो दिलवा के रहेगा। चाहे उसके लिए आप देख रहे हैं मेरे पे पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं, पर्सनल डिफेमेशन भी हो रही है, पर्सनल जो है मुकदमे भी मेरे खिलाफ चल रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में पर्सनल मेरे पे अटैक भी हूँ। लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ, मेरे सब चीज का इंतजाम है, उससे डरता नहीं हूँ मैं। मैंने यहां तक कह दिया कि जब मेरा स्वास्थ्य नाश हो जाए, एक तो नाश होता है नाश, एक होता है स्वास्थ्य नाश, मैं मिट्टी में भी मिल जाऊंगा ना, मिट्टी में मिला मिला भी मैं गुलाम हैदर के बच्चों को ये वादा कर रहा हूँ कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाऊंगा और सीमा हैदर को जेल कराऊंगा, ये मेरे कसम खाई है। दुनिया की कोई ताकत उसको जेल जाने से नहीं बचा सकती, और दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चों को उसको मिल उसको गुलाम को दिलवाने से नहीं बचा सकती। मेरी हस्ती बच जाएगी, मुझे परवाह नहीं। मैंने जो पीड़ा उठा लिया, मैं जिद्दी हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। जो चीज की जिद मैंने लगा ली, और मेरी जिद जायज जिद है, नाजायज जिद नहीं है, मेरी जिद इंसानियत की जिद है, इंसानियत की जिद नहीं है, मेरी लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है, मेरी लड़ाई हक की लड़ाई है। अगर मैं मिट्टी में भी मिल गया ना, मिट्टी में भी मिल गया, अगर मैं भिखारी बन गया ना, सारी दुनिया का मेरा जो पैसा धन दौलत जमीन जब सब कुछ भी खत्म हो गया, मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे हाथ में कटोरा भी आ गया ना, मैं जब भी जो है गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाऊंगा, ये मोमिन मलिक का सारी दुनिया को आपके प्लेटफॉर्म से वादा है, ये जिद है मेरी, ये मोमिन मलिक की जिद। तो मैं ये कह रहा था कि मजिस्ट्रेट साहब उसको फिर जो है और राहदारी रिमांड देंगे, ट्रांजिट रिमांड 2 दिन का या 24 घंटे का, तो फिर उसको पकड़ के जो दूसरे स्टेट की पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है और उसका जो इलाका मजिस्ट्रेट है वहां उसको पेश किया जाएगा, और उसके बाद रिमांड 1 दिन का 2 दिन का दिया जाएगा। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी, रिकवरी की जाएगी, फिर उसको दोबारा पेश करके और मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज देंगे जब तक चालान नहीं आता। लेकिन सीमा हैदर वाले मामले में क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर बल्लभगढ़ से उसको पकड़ा गया था, उसकी कोई भी सूचना मैंने तीनों चारों जो बल्लभगढ़ के पुलिस स्टेशन है वहां पता किया, कोई सूचना वहां पर उसकी नहीं दी गई, ना ही उनका, ना ही बल्लभगढ़ के अंदर उस सीमा हैदर का कोई मेडिकल कराया गया, ना उन बच्चों का मेडिकल कराया गया, ना उसको बल्लभगढ़ इलाके का जो मजिस्ट्रेट था हरियाणा का, ना उनको वहां पर पेश किया गया, इसी दिन में ये लोग फंसे में। आप समझे, ये तो चलो उन्होंने लैप्स कर दिया, तो मैं मेरे ये क्योंकि सीमा हैदर जो ना पाकिस्तान की है, वो मेरे भारत की पुलिस है, तो मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो मेरे भारत की पुलिस है, लोग कहेंगे फिर भाई पाकिस्तानी उसके लिए अपने भारत की पुलिस का ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, अगर मैं एक्शन ले तो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने केस को मजबूत जरूर किया है, और इसीलिए जो फरीदाबाद में जो तारीख लगी हुई थी, इसलिए लगी हुई थी ताकि ये चीजें कोर्ट के सामने आती। इस मामले में मैं जो धर्म परिवर्तन किया गया है, इसमें सीमा हैदर को, उसके भाई को और उन तमाम लोगों को मैं जो है जेल के अंदर कराऊंगा जिन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है। तो ये कानूनी चीजें हैं, ये कानूनी चीजें हर इंसान के समझ में नहीं आती, इन पे देखना पड़ता है, तरीके से समझना पड़ता है, तब जाकर के उसी हिसाब से कानूनी स्टेप लेने पड़ते हैं। सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि किसी भी कॉन्स्ट्रेसी को, किसी भी क्राइम को अगर दो या दो से मिलकर ज्यादा व्यक्ति जो है हम मशुरा होकर के किसी काम को करते हैं, वहां पर सेक्शन 34 इम्पोज होती है, और 100 लेकिन इसमें 120 भी लगी हुई है, 120 भी का भी वही रोल है, वही डेफिनेशन है कि अगर दो या तीन व्यक्ति मिलकर के उसमें पूरे पूरे क्राइम में शामिल हो, यानी कि मिसाल के तौर पर चार आदमी होते हैं,
एक आदमी गली के ऊपर खड़ा हो गया कि मैं ये देखूंगा कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, कहीं कोई इंसान तो नहीं आ रहा। दूसरा आदमी गेट पे खड़ा हो जाए कि मैं यहाँ देखूंगा भाई, तुम्हें वार्निंग कर दूंगा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा आदमी जो है वो घर के अंदर एंट्री कर जाए कि यहाँ मैं सपोर्ट करूंगा, और चौथा आदमी जाके मर्डर कर दे। तो जो गोली चलाएगा, जो चाकू से मारेगा, जो मर्डर करेगा, उसने तो किया ही किया, लेकिन 120 टीम में जो दरवाजे पे खड़ा है, जो गली के बाहर खड़ा है, जो पूरे क्राइम में शामिल है, वहां पर सेक्शन 34 और 120 भी जो है लोगों पर भी लागू, कि इनका भी हत्या में, इनका भी मर्डर करने में पूरा पूरा रोल अदा इन्होंने किया है, किरदार अदा किया। सबसे पहली गलती ये करी कि एक वकील होते हुए रघुपुरा के अंदर एक रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर पाकिस्तान की नेशनल बच्चों, जो बाई बर्थ मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल है, उन बच्चों का धर्म परिवर्तन जो है, इसके बोले भैया ने स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, स्पेशल जो है पंडित जी बुला करके, लोग इकट्ठे करके उसको जो है उसका धर्म परिवर्तन किया, और उसको करने के बाद मीडिया में उसको जो है वायरल किया, उसको पब्लिश किया। ये उससे भी बड़ा गुनाह। देखो हम वकील है, हम एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बाउंड है, हमें कवर नहीं देता कि हम किसी को धर्म परिवर्तन कराएं। कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है तो उसका एक कानूनी तरीका है, सरकार ने कानूनी तरीका बनाया है, भारत सरकार ने, के तहत आप कर सकते हो, लेकिन नाबालिग बच्चों का बिना फादर, बिना बायोलॉजिकल फादर की कंसेंट के बिना किसी भी सूरत पर बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक सबसे बड़ी गलती तो वो वहां फंसा हुआ है कि जो बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया। दूसरी सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, वो मुझे टेररिस्ट बताया, मेरे को जो है ना फंडिंग, ये कहा कि हवाला से फंडिंग आ रही है, और मेरे खिलाफ जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी, खुद की गर्दन को वहां फंसा लिया। अब वो दोनों जगह फंसा हुआ है, इधर मैंने फंसा दिया, इधर बच्चों ने उसको फंसा दिया। तो फंस गया ना, सुनो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, अगर जरा सी भी इस बात का पछतावा है कि चलो जी मैंने गुस्से में स्टेटमेंट दे दी, या मैंने थोड़ा एक्साइट होकर स्टेटमेंट दे दी, या बिना सोचे समझे स्टेटमेंट दे दी, तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो मेरे से गलती होगी, और मैं मोमिन मलिक जी से माफी मांगता हूँ, और जो मैंने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है वो उससे भी मैं माफी मांगता हूँ, वो मुझे नहीं कराना चाहिए था, मैं छोड़ दूंगा उनको, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती को इंसान मानता है, वकील साथी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती का एहसास तो हो। एक इंसान गलती करे, गलती पे सीना जोड़ी करे, तो वो तो उससे भी बड़ा गुनाह है। एक इंसान से गलती हो जाए, उस पर वो पछताए, रिपेंट करे, तो वो माफ की जा सकती है गलती। लेकिन एक तो गलती ऊपर से सीना जोड़ी, तो वो तो नहीं चलने देंगे। सुनिए, ऐसा होता है कि जब ऐसे मामले होते हैं ना जिनमें चलान चार्जशीट आनी होती है, लेकिन वो 90 डेज के गुजर जाने के बाद वो अगर वो उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुलेगी बाकायदा।